चलिए आगे बढ़ते हैं हम इक्विलिब्रिया में, हम आगे थे कॉमोनाइन इफेक्ट्स तक। अब एक पॉइंट हम यहाँ पर देखने वाले हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान से देखना है। हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स। ओके, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि सॉल्ट्स के चार टाइप है, याद है आपको? फोर टाइप्स मैंने आपको बताया था। पहला क्या था? सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, याद है? ओके, सेकेंड टाइप, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। थर्ड टाइप, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। एंड द फोर्थ वन इज सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। ओके, ये चार टाइप के सॉल्ट होते हैं। ओके, यहां पर सॉल्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं बी ए से, जैसे हमने एसिड के लिए एच ए यूज किया था और बेस के लिए बी ओ एच यूज किया था इन जनरल। तो बी ओ एच का बी और एच ए का ए, क्या बन गया? बी ए। तो ये बी ए सॉल्ट को रिप्रेजेंट करते हैं हम यहां पर, ठीक है। अगर आप इसको वाटर में हाइड्रोलाइज करते हैं H2O, इसका हाइड्रोलिसिस हुआ है। अगर ये स्ट्रॉन्ग है, पहला वाला केस हम लेते हैं इसका, यहां पर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो अभी तो हमको फिलहाल में क्या लगता है कि B ने वाटर के OH के साथ क्या बनाया है? BOH प्लस। अब वाटर का H बचा है और इसका A बना है, तो क्या बन जाएगा? HA। समझा आपको? चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, सब लोग जरा ध्यान से देखना है। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस वाला सॉल्ट लेते हैं हम यहां पर, ठीक है, ये सॉल्ट है। ओके, जैसे एक स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl, एक स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH, इससे मिलकर क्या बनता है रिएक्शन? NaCl। सो NaCl इज अ सॉल्ट, सो इट इज द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। जब इसका आप हाइड्रोलिसिस करेंगे, मतलब यहां पर आप इसको लिखेंगे ऐसे NaCl प्लस H2O, तो हम सोचते हैं ये डिसोसिएट होकर इस तरह से बनना चाहिए कि Na और ये OH क्या बनाएगा? NaOH प्लस Cl और H क्या बनाएगा? HCl। बट वी नो दैट दिस इज द स्ट्रॉन्ग बेस, दिस इज द स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर हम इसको आयोनिक फॉर्म में लिखते हैं पूरी रिएक्शन को, तो आयोनिक फॉर्म में रिएक्शन क्या हो जाएंगी? Na प्लस Cl माइनस H2O। Na प्लस स्ट्रॉन्ग है तो आयोनिक फॉर्म में रहेगा ना, OH माइनस H प्लस Cl माइनस, कॉमन जो आयन है उनको कैंसिल कर दो, Na प्लस Na प्लस Cl माइनस Cl माइनस। Now equal amount of OH and equal amount of H plus, तो ये क्या बन गया? H2O, मतलब H plus and OH minus। तो यहां पर अपने को pH मिलता है 7, equal है ना? Equal है तो pH क्या मिलेगा? 7, neutral। So hydrolysis of salt of strong acid and strong base give a neutral solution, not acidic, not basic। तो pH will be 7, pH रहेगा 7। चलिए अब हम दूसरे salt की तरफ बढ़ते हैं, next। Now salt of strong acid and weak base। अब लेते हैं हम salt of strong acid and weak base। For example strong acid से कौन आया है? Cl। और वीक बेस से कौन आया है? NH4, अमोनियम क्लोराइड।
आपने इसको पानी में डाला, H2O रिएक्शन हुआ, क्या मिला आपको यहाँ पर? NH4 किसको लेके जाएगा? OH को, क्या बन जाएगा? NH4OH plus, yes? ये Cl और H क्या बनाएगा? HCl, हाइड्रोलिसिस हो गया इसका सॉल्ट का। बट यहां पर जो बेस अपने को मिल रहा है वो कौन है? वीक। और जो एसिड मिल रहा है कौन है? एसिड। स्ट्रांग है ना, तो ये स्ट्रांग है, और स्ट्रांग का क्या होता है? ऑलमोस्ट आयोनाइज हो जाता है, जबकि वीक क्या होता है? लेस डिसोसिएशन, 5% के आसपास। याद है क्या नहीं आपको? तो अगर हम इसको आयनिक फॉर्म में लिखेंगे तो आयनिक फॉर्म में सॉल्ट को तो लिखना पड़ेगा ऐसे, NH4 प्लस प्लस Cl माइनस प्लस H2O। ओके, यहां पर अब ये जो है ये वीक पार्ट है, तो वीक पार्ट ऑलमोस्ट होता है अनडिसोसिएटेड फॉर्म में। क्या होता है भाई? वीक का डिसोसिएशन नहीं होता है ना इजिली, उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निग्लिजिबल है ना, तो इसके कंपैरिजन में क्या माना जाएगा उसको? अनडिसोसिएटेड। तो अनडिसोसिएटेड फॉर्म में इसको लिखना पड़ेगा यहां पर NH4OH, अनडिसोसिएटेड प्लस। ये स्ट्रांग है, ये आयनाइज फॉर्म में रहेगा, क्योंकि जो स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस होते हैं दे कंप्लीटली आयोनाइज। क्या होते हैं वो? कंप्लीटली आयोनाइज। तो ये बनाएगा H प्लस एंड Cl माइनस, कॉमन आयन कैंसिल कर दो, क्या बचा? H प्लस आयन। H प्लस आयन आया मतलब कौन है सोल्यूशन? एसिडिक। एसिडिक मतलब आपको पीएच क्या मिलेगा? लेस देन 7। सोल्यूशन इज एसिडिक। समझा? कुछ मुश्किल? नो मुश्किल। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। अब नेक्स्ट लेते हैं हम यहां पर, और आगे चलना है। थोड़ा ध्यान से देखो, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। एक वीक एसिड ले लेते हैं अपन, कार्बोक्सिलिक एसिड। वीक एसिड होते ना, तो CH3COOH से आया है CH3CO एसिटेट, और स्ट्रॉन्ग बेस से कौन आया? Na, मतलब NaOH से आया Na। ओके, आपने इसका हाइड्रोलिसिस किया, हाइड्रोलिसिस करने पर क्या मिला आपको? Na जाएगा OH के साथ में, क्या बनेगा? NaOH plus। ये CH3COO किसको लेके जाएगा? H को, CH3COOH। अगेन ये पार्ट कौन है? स्ट्रॉन्ग। ये कौन है? वीक। तो वीक क्या होता है? अनडिसोसिएटेड फॉर्म में रहता है। अब आयनिक फॉर्म में इसी इक्वेशन को लिखेंगे हम, CH3COO माइनस Na प्लस H2O। अब यहां पर NaOH ये स्ट्रांग है तो आयनिक फॉर्म में आ जाएगा, जो स्ट्रांग पार्ट है वो आयनिक फॉर्म में रहता है, और जो वीक पार्ट है वो अनडिसोसिएटेड रहने वाला है। क्या रहने वाला है? अनडिसोसिएटेड। ओके, उनको उठाओ। तो यहां पर कॉमन आयन कैंसिल करो, Na+ बच गए OH-, सॉल्यूशन इज अल्कलाइन मतलब बेसिक। तो अपने को पीएच मिलेगा मोर देन 7। कुछ मुश्किल था? नो मुश्किल। नाउ द फोर्थ वन इज सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। लास्ट वार्निंग, ठीक है? तो एक ले लेते हैं एग्जाम्पल, CH3COO वीक एसिड से आया है, NH4OH वीक बेस से आया है, वाटर में डाला आपने H2O, तो CH3COOH क्या बनाएगा? CH3COOH प्लस NH4OH, क्या बनाएगा? NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब ये दोनों भी अनडिसोसिएटेड फॉर्म में रहेंगे ना, लेकिन वीक एसिड और वीक बेस वाला जो सॉल्ट होता है उसमें से कोई एक डोमिनेंट रहेगा। फ्रैक्शन में क्यों नहीं रहता है? थोड़ा बहुत क्यों नहीं रहता है? तो उसमें कुछ ना कुछ वो डोमिनेंट रहेगा, और वो जब डोमिनेंट रहेगा तो उससे हम वहां पर उसका एसिडिटी या बेसिसिटी हम निकाल सकते हैं। समझा?
ओके, जब हमको एसिडिक इक्वेशन अगर मिल जाती है तो हम पीकेए निकालेंगे, बेसिक इक्वेशन मिल जाती है तो हम क्या निकालेंगे, पीके भी निकालेंगे। अरे याद है कि नहीं आपको? हाँ, तो इसका एक यहाँ पर रिलेशन है जिससे हम निकाल सकते हैं किसी का पीएच या पीओएच, पीएच भी निकाल सकते हैं या पीओएच। तो इसके लिए एक सिंपल रिलेशन दिया हुआ है, पीएच इज इक्वल टू 7 प्लस हाफ ऑफ के ए माइनस के बी। ओके, अगर के ए और के बी अपने को निकल जाए, न्यूमेरिकल्स में हम करने वाले हैं, तो इफ के इज मोर, मतलब अगर एच प्लस आइन ज्यादा है तो एसिडिक रहेगा ना, अगर एच प्लस आइन ज्यादा है तो वैल्यू क्या में आएंगी, पॉजिटिव, तो यहां पर पॉजिटिव वैल्यू आएंगी तो ऐड होगा, ऐड होगा मतलब 7 से ज्यादा रहेगा, तो यहां पर पीएच वैल्यू क्या बन जाएगा उसका, मोर देन 7, तो सोल्यूशन क्या बन जाएगा, बेसिक। लेकिन कब, जब इसका प्रोडक्ट ज्यादा आएगा तो, समझा आपको? तो ये एक रिलेशन है, इसको आप याद रखिए। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट थोड़ा सा, चलिए इसको स्टॉप कर दो।